Hello, my dear friends, my dear students and dear viewers, you are all welcome on your own live platform of Target On and Target With A Look. My dear friends, first of all, I would like to tell you that many of you, students from offline and online, mounted a lot of pressure on me to discuss some of the comments which are made by different scholars on the eruditeness, profundity, scholarship, and versatility of Shakespeare. So, some of the comments of a scholar related to Shakespeare is present before you. पहला है आपके सामने, I therefore will begin soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage. My Shakespeare rise, I will not lodge thee by Chaucer or Spencer or Beaumont Fletcher life. पहले हम इन तीनों को डिस्कस कर लेंगे. तो पहली बात तो मैं ये कि द एक्सर्प्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ बेन जॉनसन. एज ए ट्रिब्यूटरी पोयम अंडर टाइटल to the memory of my beloved author Mr. William Shakespeare and what he hath left for us. This much was a lengthy title and the very first tributary poem by Ben Jonson to Shakespeare. And this poem was written in the first folio of 1623. First folio जिसका कि प्रकाशन 1623 में हुआ था और जिस फोलियो को डेडिकेट किया था विलियम हर्बर्ट को, इसमें ट्रिब्यूटरी पोयम बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में दी थी. शेक्सपियर के बारे में कुछ चुनिंदा बातों को, जैसे कि आई देयरफॉर विल बिगिन सोल ऑफ द एज. वैसे तो शुरुआत होती है टू ड्रा नो एनमी टू दाई नेम, ये ओपनिंग लाइन है. लेकिन बेन जॉनसन ये कहता है कि जैसा कि शेक्सपियर की रचना धर्मिता की बात की जाए, वर्सेटिलिटी की बात की जाए, यूनिवर्सैलिटी की बात की जाए, शुरुआत करता है आई विल बिगिन सोल ऑफ इज. क्या एपिथेट देता है, शेक्सपियर वाज द वेरी पल्सेटिंग सोल ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथन एरा. एलिजाबेथन युग की अगर देखा जाए तो नाटक की, साहित्य की मानो धड़कती हुई आत्मा थी शेक्सपियर के भीतर. नॉट ओनली दिस मच द एप्लॉज व्हाट प्रेज शेक्सपियर वाज कन्फर्ड, जो प्रशंसा शेक्सपियर को साहित्य के नाटकों की दुनिया में मिली, दैट वाज रियली मिरेकुलस. मानो कि युग की प्रशंसा स्टेज के ऊपर बरस पड़े थे शेक्सपियर के ऊपर. द डिलाइट विच शेक्सपियर रेडिएटेड थ्रू हिज कैरेक्टर, थ्रू हिज स्पार्कलिंग डायलॉग बाय देयर कैरेक्टर्स, वंडर ऑफ आवर स्टेज. अगर शेक्सपियर के पात्रों को स्टेज के ऊपर अभिनय करते हुए देखा जाए, उनके द्वारा शेक्सपियर के जो डायलॉग हैं, अगर उनको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शेक्सपियर वॉज नॉट ए मैन ऑफ मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स,
बट ही वॉज वंडर ऑफ द स्टेज, मानो के रंगमंच का कोई आश्चर्य हो। आगे भी कहता है, माई शेक्सपियर राइज, आई विल नॉट लॉज दी बाई। बेन जॉनसन क्या कहता है, लॉन्गिंग फॉर द रिवाइवल ऑफ शेक्सपियर। और ये कहता है कि शेक्सपियर बेटर बी अलाइव वंस मोर, कम बैक टू आवर वर्ल्ड वन अगेन, आई विल नॉट लॉज दी बाई, तुम्हारा मुकाम मैं ना तो चौसर के करीब रखूंगा, न स्पेंसर और न ही ब्योमांट और फ्लेचर के करीब। बड़ी प्यारी बात है। ऑल्दो चौसर वाज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, स्पेंसर वाज पोएट्स पोएट, एज लैम हैज सेड, ब्योमांट और फ्लेचर जो शेक्सपियर से पहले नाटक की दुनिया में बड़े नाम थे, और ऐसा कहा जाता है कि ब्योमांट एंड फ्लेचर रोट इन कोलैबोरेशन 35 प्लेज, 35 नाटकों को दोनों लोगों ने मिलकर के लिखा, ब्योमांट और फ्लेचर ने। लेकिन बेन जॉनसन शेक्सपियर के बारे में कहता है कि शेक्सपियर का मुकाम चौसर के करीब नहीं है, और न ही उसको स्पेंसर के कब्र के बगल में लिटाया जा सकता है, और न ही ब्योमांट के कब्र के बगल में, बल्कि होना क्या चाहिए, अ लिटिल फर्दर टू मेक दियर रूम, शेक्सपियर डिजर्व्स फॉरवर्ड प्लेस देन दीज इमॉर्टल राइटर्स। शेक्सपियर का मुकाम तो चौसर, स्पेंसर और ब्योमांट से भी कहीं आगे है। Thou art a monument without it too। माना कि दुनिया के बहुत से साहित्यकारों के ऊपर मकबरे खड़े किए गए, उनके यादों में बड़े बड़े स्मारक तामीर किए गए, उनका निर्माण किया गया, लेकिन शेक्सपियर नीड्स नो मॉन्यूमेंट, बिकॉज दीज आर वर्ल्डली एंड मॉर्टल मॉन्यूमेंट्स। शेक्सपियर हिमसेल्फ इज लाइक ए वॉकिंग मॉन्यूमेंट। शेक्सपियर तो चलता फिरता अपने आप में एक स्मारक है, और उसकी किताबें, उसकी रचनाएं हैं उसके लिए सबसे खूबसूरत टोम्ब है। आगे देखा जाए कि क्या कहता है बेन जॉनसन, एंड आर्ट इज स्टिल अलाइव व्हाइल थाय बुक्स डक लिव, शेक्सपियर कैन नेवर बी कन्फाइंड विद इन एनी फ्रेम वर्क ऑफ एनी एज। किसी युग की सीमा रेखा में शेक्सपियर को बांधा नहीं जा सकता है, एंड ही इज इमॉर्टल, शेक्सपियर कैन नेवर डाई, वो मर नहीं सकता, एज लॉन्ग एज हिज बुक्स आर अलाइव, जब तक इस दुनिया में शेक्सपियर के नाटक और शेक्सपियर की रचनाएं और उसके द्वारा लिखी गई किताबें जिंदा हैं, तो शेक्सपियर अपनी किताबों में हमेशा जीवित रहेगा। शेक्सपियर का दिल उसकी रचनाओं में हमेशा हमेशा के लिए धड़कता रहेगा। एंड वी हैव बिट टू रीड एंड प्रेज टू गिव, तब तक जब तक इस दुनिया में भाषा का अस्तित्व कायम रहेगा, जब तक मनुष्य के पास भाषा को समझने की ताकत मौजूद रहेगी, तब तक शेक्सपियर की रचनाओं को पढ़ता रहेगा और शेक्सपियर के ऊपर अपनी प्रशंसा लुटाता रहेगा। एंड टेल हाउ फार हाउ डिस्ट दाउ लिली आउटसाइड, जो लिली वॉज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स का जो है लीडर था, और कॉमेडी का बेताज बादशाह। लेकिन अगर शेक्सपियर के कॉमेडी की तुलना में हम जॉन लिली की कॉमेडी को देखें, देन वी फाइंड लिलीज कॉमेडी फार इंफीरियर टू दैट ऑफ शेक्सपियर। माना कि जॉन लिली अपने दौर का यूनिवर्सिटी विट्स के सदस्यों का नेता था, कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का फादर, लेकिन जितना बेजोड़ शेक्सपियर के कॉमेडी को पाया गया, उतना कौशल तो जो है लिली की रचनाओं में भी नहीं मिला। या हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर ओवर शेडोड लिलीज ब्रिलियंस, लिली की, लिली का जो आभा था नाटक की दुनिया में, उसके ऊपर मानो ग्रहण लगा दिया,
जब शेक्सपियर का साहित्य की दुनिया में उदय होता है। आर स्पोर्टिंग किट आर मार्लोस माइटी लाइन जो इट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट अ न्यू जेनर ऑफ कॉमेडी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय थॉमस किट। नाटक की दुनिया में अंग्रेजी नाटकों की दुनिया में एक नई तरह के ट्रेजेडी को स्थापित करने वाला थॉमस किट था, जिसने ट्रेजेडी ऑफ ब्लड लिखा या जिसको स्पेनिश ट्रेजेडी कहते हैं, वो भी शेक्सपियर के सामने फीका था। और ये भी है कि फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी सेट एज मार्लो इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। अंग्रेजी ट्रेजेडी का फादर मार्लो माइटी लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम ही ब्रॉट ब्लैंक वर्स टू द जेनिट। ऑल्दो ब्लैंक वर्स वाज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय आई थिंक अर्ल ऑफ सरे व्हेन ही ट्रांसलेटेड वर्जिल्स एनीड बुक फर्स्ट एंड बुक फोर्थ। माना के पहली बार अंग्रेजी साहित्य में ब्लैंक वर्स को लाने वाला अर्ल ऑफ सरे है, हेनरी होवर्ड है, लेकिन इसको परफेक्शन देने का काम किसने किया? मार्लो। यही ब्लैंक वर्स जब मार्लो के हाथों में पड़ा तो वो माइटी लाइन बन गया। तो फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी जो मार्लो है, ये भी शेक्सपियर की ट्रेजेडी के सामने फीका पड़ जाता है। He was not of an age, but for all time. आगे शेक्सपियर के स्थान में बेन जॉनसन ये भी कहता है, शेक्सपियर कैन नेवर बी कन्फाइंड विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ एन एज। किसी युग की समय की सीमा रेखा में शेक्सपियर को बांधा नहीं जा सकता। His universality is so great that Shakespeare cannot be confined within the boundary of England. Rather, Shakespeare has universal and most comprehensive soul in comparison to the other dramatists or literary figures of this world. दुनिया में जितने भी साहित्यकार हैं, जहां तक उनके comprehensiveness की बात है, उनके यूनिवर्सलिटी की बात है, तो उनकी उनको किसी देश की सीमा रेखा तक सीमित किया जा सकता है या किसी सीमा में बांधा जा सकता है कि बट शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज। लेकिन शेक्सपियर एक ऐसा महान साहित्यकार जिसको किसी युग तक सीमित नहीं किया जा सकता, बट ही वाज फॉर ऑल टाइम। लेकिन मनुष्यता जब तक दुनिया रहेगी, जब तक इस दुनिया में मनुष्यता कायम रहेगी, जब तक मनुष्य के विचार रहेंगे, तब तक शेक्सपियर के विचार जो अमर हो चुके हैं उसकी रचनाओं में वो भी कायम रहेंगे। एंड ऑल द म्यूजेज स्टिल वर इन देयर प्राइम। माना कि जो संगीत की नौ देवियां हैं, जो कला की नौ देवियां हैं, शेक्सपियर की रचनाओं को पढ़ करके ऐसा लगता है जो संगीत और कला की देवियां, नौ की नौ देवियां शेक्सपियर की रचनाओं में अब भी जो है जिंदा है और पूरे वैभव और गौरव के साथ उपस्थित है। नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन। नेचर हैज प्रोड्यूस्ड सो मेनी ऑब्जेक्ट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दुनिया में सजीव और निर्जीव ने जाने कितनी प्रकृति ने रचना की है, बट व्हेन ही प्रोड्यूस्ड शेक्सपियर then she herself felt pride in her own creation. प्रकृति ने सारी चीजों का निर्माण किया, लेकिन जब शेक्सपियर का निर्माण प्रकृति ने किया तो मानो उसकी अपनी रचना के ऊपर स्वयं गर्व हो गया। एंड जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन। शेक्सपियर ने अपने नाटकों में जिन पंक्तियों को उकेरा, जिन पंक्तियों को पिरोया, मानो वो प्रकृति के लिए वस्त्र बन गए और शेक्सपियर के पंक्तियों रूपी वस्त्र को पहन करके मानो प्रकृति स्वयं नृत्य कर उठी।
अब थोड़ा सा इसके अलावा हो तो मैंने कहा कि ये एक लंबी पोयम थी बेन जॉनसन की, शेक्सपियर के शान में लिखी। इसके अलावा और भी कुछ स्कॉलर्स लोगों ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है, इसमें डेविड गैरिक का ध्यान रखा जाना चाहिए। डेविड गैरिक सेड ऑफ हिम, डेविड गैरिक ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा, बार्ड ऑफ हेवन। याद रखिएगा ये बार्ड ऑफ हेवन कई बार पूछा गया है किसने कहा है, तो ये डेविड गैरिक ने कहा है शेक्सपियर को बार्ड ऑफ हेवन, एवन नदी का, जिसको बार्ड कहते हैं, चारण कहते हैं, एवन जानते हैं ना, अरे भाई एवन गांव में ही उसका जन्म हुआ था, जिसको कहते हैं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। एवन एक नदी है स्ट्रैटफोर्ड के किनारे जो बहती है एवन, उसके तट पर स्थित गांव है स्ट्रैटफोर्ड, वो एवन नदी जिसकी एक सहायक नदी है सेवर्न रिवर, और ये दोनों नदियां कुछ दूर जाकर के मिल करके थेम्स नदी में मिल जाती हैं। तो एवन का बार्ड कहा है रॉबर्ट गैरिक, डेविड गैरिक ने शेक्सपियर के बारे में। जे एम सेठ क्या कहते हैं कि वी वंडर्ड दैट दाउ वेंट सो सून। जे एम सेठ क्या कहते हैं, हमें बेहद आश्चर्य होता है कि इतना जल्दी इस दुनिया के रंगमंच से शेक्सपियर विदा क्यों हो गया। Thou went so soon from the world stage to the grapes tiring room, tiring कहते हैं retiring यानी कि विश्राम स्थल। हैरत होती है इस बात के ऊपर, आश्चर्य होता है कि इस दुनिया के रंगमंच को शेक्सपियर छोड़ करके इतना जल्दी अपने कब्र के विश्राम स्थल पर क्यों पहुंच गया। कॉलरिज ने क्या कहा, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट ह्यूमन नेचर हैज प्रोड्यूस्ड, माना कि मनुष्यों की दुनिया में एक से एक प्रतिभाएं पैदा हुई हैं, एंड दे डिड मिरेकल इन देयर स्पेसिफिक फील्ड, अपने अपने विशेष क्षेत्रों में उन्होंने चमत्कारिक प्रदर्शन किया, बट अमंग दो जीनियस शेक्सपियर वाज पीयरलेस, शेक्सपियर वाज मैचलेस। दैट इज वाई कॉलरिज सेड द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट ह्यूमन नेचर हैज प्रोड्यूस्ड, मनुष्यों की दुनिया में अगर सर्वाधिक मेधा संपन्न कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो शेक्सपियर, और आगे कहता है मिरियाड माइंडेड शेक्सपियर। शेक्सपियर बहुमुखी प्रतिभा का था, अनगिनत विचारों को एक मस्तिष्क में समेटने वाला, समस्त भावनाओं को, जीवन के सुख दुख, जितनी भी भाव भंगमाएं हो सकती हैं, जितने भी विचार हो सकते हैं, सारे के सारे विचार और मनुष्य जीवन के प्रत्येक पहलू को शेक्सपियर ने अपने नाटकों में समेट लिया। आगे भी कुछ विद्वानों के स्टेटमेंट हैं। गैरिक ने क्या कहा, डेविड गैरिक ने, कि व्हेन लर्निंग ट्रायंफ ओवर हर बार्बरस फोज, सॉरी डियर थोड़ा सा इसको इधर कर लिया जाए, यस गैरिक ने क्या कहा, व्हेन लर्निंग ट्रायंफ ओवर हर बार्बरस फोज, लर्निंग ज्ञान की देवी ट्रायंफ स्कोर्ड विक्ट्री ओवर हर बार्बरस फोज, अपने बर्बर दुश्मनों जो ज्ञान के दुश्मन है, जब ज्ञान की देवी ने अपने बर्बर अज्ञानी शत्रुओं के ऊपर जीत हासिल कर ली, फर्स्ट रेयर द स्टेज, तो पहला काम ज्ञान की देवी ने क्या किया, एक मंच का निर्माण किया और उस रंगमंच के ऊपर इमॉर्टल शेक्सपियर रोज, अमर शेक्सपियर उस विश्व रंगमंच के ऊपर उभर करके आया। ईच चेंजेज ऑफ मेनी कलर्ड लाइफ इज यू, जीवन के जितने भी पक्ष हो सकते हैं, प्रत्येक शेड एंड कलर को शेक्सपियर ने अपने पात्रों के माध्यम से उकेरा। एग्जॉस्टेड वर्ड्स देन ही काइंड न्यू, अगर उनके डिलिनेशन में शब्दों की कमी पड़ गई तो शेक्सपियर ने नए नए शब्दों को कॉइन किया, नए नए शब्दों को कढ़ा। एंड माय डियर फ्रेंड्स,
Here this fact should be borne in mind that Shakespeare enriched the English language by coining more than 2000 new words. अंग्रेजी शब्दकोश को 2000 शब्दों से ज्यादा नए शब्दों की देन शेक्सपियर के द्वारा है, तो हम ये कह सकते हैं कि when exhausted words, then he coined new. तो नए शब्दों की रचना शेक्सपियर ने की. डेविड गैरी का एक और भी स्टेटमेंट है. डेविड गैरी अगेन सेज एस्टॉनिशिंगली नो टू कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर आर अलाइव. बड़ी प्यारी बात है दोस्तों. क्या कहते हैं शेक्सपियर के पात्रों के बारे में? एंड अबाउट देयर यूनिकनेस, अबाउट देयर पियरलेसनेस, अबाउट देयर मैचलेसनेस. गैरी के कहता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, नो टू कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर आर अलाइक. एवरी कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर इज इंडिविजुअल. शेक्सपियर हैज डिलिनिएटेड मोर देन 1500 कैरेक्टर्स, सम मोर देन 400 विमेन कैरेक्टर्स एंड 800 समथिंग मोर मेन कैरेक्टर्स. बट अमंग द गैलेक्सी ऑफ शेक्सपियरियन कैरेक्टर नो टू कैरेक्टर्स कैन बी मैच्ड विद अनदर वन. एक शेक्सपियर का जो पात्र है वो दूसरे पात्र से कहीं से भी जरा सा भी अंश मात्र भी नहीं मिलता है. दैट इज व्हाई गैरिक सेज इट इज अ मैटर ऑफ अटर सरप्राइज दैट नो टू कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर आर अलाइक. शेक्सपियर के द्वारा रचे गए जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें दो कैरेक्टर में कहीं से भी समानता नहीं मिलती है. आश्चर्य की बात है कि 1500 से ज्यादा कैरेक्टर का निर्माण करता है शेक्सपियर, लेकिन हर कैरेक्टर अपने आप में अद्भुत है, हर कैरेक्टर यूनिक है, मैचलेस है. शेक्सपियर नेवर रिपीटेड हिमसेल्फ. और दोस्तों एक सबसे बड़ी विचित्र बात यह है गैरिक की, माना कि शेक्सपियर ने 37 Some state that some plays of Shakespeare are unfinished. They are completed by Chapman and other writers. But we do not indulge in that matter. सिर्फ बात क्या है ये, Shakespeare never repeated himself. When I went through at least 16 or 18 plays of Shakespeare, I tried my best to trace out the line which is repeated any longer. 18 प्ले को मैंने पढ़ा शेक्सपियर के, और मेरा प्रयास ये रहा कि क्या शेक्सपियर की एक पंक्ति किसी प्ले में रिपीट हुई है. Then I surrendered myself to the universality of Shakespeare. शेक्सपियर की प्रतिभा के सामने नतमस्तक हो जाना चाहता है. दोस्तों मेरी क्या औकात है, दुनिया के नहीं जाने कितने बड़े बड़े विद्वान शेक्सपियर के ऊपर बोलते रहे और आज भी बोल रहे हैं. बट द मोर यू स्पीक ऑन शेक्सपियर द मोर ही इज लेफ्ट टू बी सेड. जितना ज्यादा आप शेक्सपियर के ऊपर बोलें उससे ज्यादा कहीं शेक्सपियर बोलने के लिए शेष रह जाता है. ये अपने आप में पूरे विश्व साहित्य में पहला रचनाकार है जिसने कि अपने प्ले में या किसी पोयम में एक लाइन को दोबारा रिपीट नहीं किया है. He never repeated himself. His universalities of ideas and individuality of characters are his specialities. उसके जो सार्वभौमिकता है, अभी हमने बेन जॉनसन को क्या पढ़ा कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज और नॉट ऑफ बट ऑफ ऑल टाइम. क्या शेक्सपियर की जो सार्वभौमिकता है, उसके जो विचार सार्वभौमिक हैं, जो सत्य इंग्लैंड के लिए है वही सत्य जो है पूरी दुनिया के लिए है, ये शेक्सपियर की यूनिवर्सैलिटी है. अगर वो प्रेम की बात करता है तो प्रेम की वो भावना संपूर्ण मानव जाति की भावना है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश की हो. अगर वो दुख की बात करता है, आक्रोश की बात करता है, या मन की जितनी भी 15 दशाएं हैं उन सभी अवस्थाओं का अगर जिक्र करता है, तो वो किसी इंग्लैंड के चार दीवारी के लिए नहीं है, इंग्लैंड की सीमा रेखा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी उपयोगिता, उनकी उपादेयता, उनकी यूटिलिटी और उसकी पॉजिटिविटी पूरी दुनिया के लिए है. यही तो उसकी विशेषता है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ हिज आइडियाज एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ कैरेक्टर.
अभी मैंने क्या कहा कि शेक्सपियर का प्रत्येक पात्र अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है, विचित्र है। यही तो शेक्सपियर की विशेषता है। क्या? कि उसके पात्र अद्भुत हैं। एक पात्र दूसरे से मिलता नहीं है। एक पात्र जो स्टेटमेंट बोलता है उसका रिपीटेशन किसी दूसरे पात्र के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट में नहीं है। और जो सार्वभौमिक विचार शेक्सपियर ने अपने नाटकों में अपने पात्रों के द्वारा व्यक्त किया वो पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। गेटे भी कुछ कहता है, जर्मन का महाकवि गेटे ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा, शेक्सपियर इज द शेक्सपियर इज सेकेंड ओनली टू गॉड। ईश्वर के बाद अगर किसी रचना के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, सृष्टि के क्षेत्र में अगर ईश्वर के बाद कोई नाम आ सकता है तो शेक्सपियर का नाम आ सकता है। अगला यदि कॉलरिज ने क्या कहा, मिलियन माउथेड शेक्सपियर, मिलियन माउथेड शेक्सपियर को कॉलरिज क्या कहता है, लाखों मुंह वाला नहीं, बल्कि शेक्सपियर ने अपने कैरेक्टर के माध्यम से जो कुछ भी बोला है अगर उन सारे स्टेटमेंट को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लाखों मुंह के द्वारा वो स्टेटमेंट, मतलब क्या कि हर स्टेटमेंट, हर डायलॉग, हर सेंटेंस अपने आप में अद्भुत है। पोप क्या कहता है, If ever any author deserved the name of original, it was Shakespeare. दुनिया में न जाने कितने साहित्यकार पैदा हुए हैं, अनगिनत, लेकिन अगर किसी भी राइटर को मौलिक कहा जा सकता है, अगर किसी के रचना धर्मिता में या कथन में सृजन में मौलिकता है तो वह केवल शेक्सपियर में मिल सकती है। इट वॉज शेक्सपियर। होमर हिमसेल्फ ड्रू नॉट हिज आर्ट सो इमीडिएटली फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ नेचर, प्रकृति के झरने से इतना जल्दी काव्य को पान करने वाला या प्रकृति के जो अजस्र स्रोत है उन स्रोतों से अमृत को निकालने वाला दुनिया में अगर कोई साहित्यकार हुआ है तो होमर के बाद शेक्सपियर। लेकिन होमर भी इतनी शीघ्रता से प्रकृति के प्रत्येक पक्ष का चित्रण नहीं कर पाता है जितना कि शेक्सपियर। पोप आगे भी कहता है कि पोएट्री ऑफ शेक्सपियर वॉज इंस्पिरेशन इंडीड, माना कि शेक्सपियर नाटक की दुनिया का बेताज बादशाह है, बेजोड़ है, मैचलेस है, अद्वितीय है। लेकिन अगर शेक्सपियर के कविताओं की बात की जाए, अगर उसके हम 154 सोनेट्स की चर्चा करें तो वास्तव में ऐसा लगता है कि उसके गीत या उसके सोनेट या शेक्सपियर की जो कविताएं हैं वह स्वतः प्रेरित हैं। And it is not just to say that he speaks from nature as that nature speaks through him. इतना सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है कि उनको पढ़ करके ऐसा नहीं लगता है कि मानो शेक्सपियर ने प्रकृति के सहारे या प्रकृति का आश्रय लेकर के कुछ कहा हो, बल्कि ये कहने के लिए दिल मचल उठता है कि प्रकृति ही शेक्सपियर के द्वारा बोल रही है। पोप का स्टेटमेंट है डियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और विद्वानों ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा। कार्लाइल क्या कहता है कि इफ नेचर इज टू बी पेरिश्ड ओनली शेक्सपियर्स वर्क रिमेन, गॉड विल बी एबल टू क्रिएट न्यू वर्ल्ड। क्या बात। कार्लाइल ने कहता है कि आज अगर पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए, शेक्सपियर की केवल रचनाएं बची रह जाए तो उन रचनाओं के आधार पर ईश्वर एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकता है। इतनी बड़ी बात शेक्सपियर जैसे कलाकार, रचनाकार, नाटककार, साहित्यकार के लिए ही कही जा सकती है। कार्लाइल की पंक्तियां हमको इस बात
का इशारा करते हैं कि इफ नेचर इज टू बी पेरिश्ड टुडे, मतलब है कि ईश्वर ने प्रकृति में जितनी भी चीजों का निर्माण किया है वो सारी की सारी चीजों का जिक्र शेक्सपियर की रचनाओं में मिलता है। तभी तो कार्लाइल ये कहता है कि आज सृष्टि का अगर विनाश हो जाए, मात्र शेक्सपियर का रचना संसार बचा रह जाए, तो ईश्वर उसी शेक्सपियर की रचनाओं के आधार पर निश्चित रूप से प्रकृति का नव निर्माण कर सकता है। पोप ने क्या कहा, शेक्सपियर कैरेक्टर आर नेचर हरसेल्फ एंड इट इज इंजरी टू कॉल देम कॉपीज ऑफ नेचर। शेक्सपियर के कैरेक्टर के यूनिकनेस के बाद, उनकी इंडिविजुअलिटी के बाद, पोप कहता है कि शेक्सपियर कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब यहां व्यक्ति नहीं है, यहां पर अर्थ क्या है, विशिष्ट है। शेक्सपियर हैज डिलिनिएटेड गैलेक्सी ऑफ कैरेक्टर्स। इफ ही डिलिनिएट्स द कैरेक्टर ऑफ एम्परर डाउन टू द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ फूल और क्लाउन, लर्नेड और लेमैन, एवरी कैरेक्टर इज यूनिक मैचलेस। और इतनी सहज अभिव्यक्ति, दे आर नेचर हर सेल्फ, इतने सहज और स्वाभाविक है शेक्सपियर के पात्र। हैरत नहीं होती है पढ़ करके कि अगर वो कभी लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर अगर वो उकेरता है तो लेडी मैकबेथ बन जाता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है कि जब किसी कैरेक्टर की आत्मा में कोई प्रवेश कर जाए। शेक्सपियर जब एम्परर का जो है चरित्र चित्रण करता है तो एम्परर बन जाता है। 14 वर्ष की लड़की अगर जूलियट का वो चरित्र चित्रण करता है तो जूलियट बन जाता है। किसी किसान का, किसी नाविक का, किसी मूर्ख का अगर चरित्र चित्रण करता है तो मूर्ख के द्वारा जो बोले गए स्टेटमेंट है, जो डायलॉग है, ऐसा नहीं लगता है कि शेक्सपियर बोल रहा है, बल्कि पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कोई सचमुच में मूर्ख है, कोई क्लाउन है जो हमारे सामने हाड़ मांस का बना हुआ चलता फिरता कोई, और उसके शब्द हमको सुनने को मिल रहे हैं। मतलब शेक्सपियर के कैरेक्टर में एक स्वाभाविकता मिलती है, और ये कहना निश्चित रूप से घातक हो सकता है कि दैट दे आर कॉपीज ऑफ नेचर, वो प्रकृति के जितने प्राणी है उनकी नकल नहीं है। शेक्सपियर की ओरिजिनलिटी तो यही है कि जो कुछ भी उसने रचा, जो कुछ भी शेक्सपियर ने रचना की, उन रचनाओं को देख करके लगता है प्रकृति ने शेक्सपियर की रचना की नकल की है। पोप आगे भी कहता है, अदर पोएट्स वर रिसीविंग द कैरेक्टर फ्रॉम अनदर। दुनिया के अन्य साहित्यकारों को दोस्तों आप देख लें, पढ़ लें, तो जितने भी कैरेक्टर अगर वो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा उकेरे गए, उनके द्वारा रचे गए कैरेक्टर में समानता दिख जाती है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत लगता है कि उनमें साम्य है, समानता है। दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शंस, लेकिन ऐसा भी लगता है कि मानो वो एक रचना के, एक कैरेक्टर की मानो कॉपी है, एक कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन हमको दूसरे कैरेक्टर में मिल जाता है। बट व्हाट अबाउट शेक्सपियरियन कैरेक्टर, शेक्सपियर कैरेक्टर आर इंडिविजुअल। शेक्सपियर ने जिन पात्रों को रचा वो अपने आप में अद्भुत है, अनोखे है। एंड इफ स्पीचेज आर प्रिंटेड विदाउट मी, अगर उनके द्वारा बोले गए वक्तव्य को बगैर उनका नाम लिए हुए उनको प्रिंट किया जाए तो रीडर्स विल बी एबल, वेरी इजिली दे विल रिकॉग्नाइज एंड असेस हु इज स्पीकिंग द लाइन। ये है शेक्सपियर की विचित्रता। शेक्सपियर के पात्रों को और उनके द्वारा बोले गए वक्तव्य को उनके बगैर नाम को छापे हुए केवल उनके द्वारा बोले गए वक्तव्य को छाप दिया जाए तो पढ़ने वाला ये समझ जाएगा कि ये कौन सा कैरेक्टर किस नाटक का है। यानी कि अपने आप में वो अनोखा है ना, तभी तो पहचान में पहचाना जा सकता है कि ये फला स्टेटमेंट
इस नाटक में फला कैरेक्टर ने बोला है। डेविड मेसन का एक और भी स्टेटमेंट, शेक्सपियर इज द किंग ऑफ पोएट्रिक रीडिंग। दोस्तों, केवल काव्य जगत का जो है बादशाह नहीं है, शेक्सपियर इज नॉट द किंग ऑफ पोएट्रिक रीडिंग एंड स्टाइल। काव्य शैली की बात की जाए, कविता में जो लयबद्धता है अगर उसकी बात की जाए, तो इसका ही केवल बेताज बादशाह नहीं है, एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो द किंग ऑफ फ्रेम ऑफ थॉट विद हिज डजलिंग प्रोज। गद्य की दुनिया में जो चमत्कृत कर देने वाले वक्तव्य का या भाषा शैली का जो है शेक्सपियर ने प्रयोग किया, और विचार की दुनिया का भी वो बादशाह है। जिन विचारों को चमत्कृत कर देने वाले प्रोज में शेक्सपियर ने व्यक्त किया, तो उनको पढ़ करके ऐसा लगता है कि वह प्रोज की दुनिया का भी बेताज बादशाह है, न केवल काव्य की दुनिया का। तो ढेर आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।